दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर धार से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का उत्सव कार्यक्रम एवं लाडली टू का शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी के अंतर्गत निसरपुर जनपद में भी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय के द्वारा लाडली उत्सव कार्यक्रम रखा गया। यह योजना मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद भी निसरपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें अव्यवस्थाओं का अंबार रहा, धूल मिट्टी में बैठना पड़ा, हवा के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने से उपस्थित जनता और बालिकाएं बहुत परेशान होती दिखी। जिन्हें सम्मानित करना था उन्हें भी उपस्थित नहीं करवा सके। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता को नाश्ते तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि सभी उपस्थित व्यक्तियों को नाश्ता कराने के लिए जिले के आदेश भी हैं। ऐसे ही अनेक अव्यवस्थाएं देखने को मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार कार्यक्रमों के लिए पूरी व्यवस्थाएं तो करती है, पर अधिकारी इसमें गड़बड़ी करते हैं। कारण यह है कि महिला बाल विकास महिलाओं का विभाग है और इस विभाग में महिला अधिकारी ही जांच कर सकती हैं। और यही वजह है कि महिला बाल विकास अपनी गलतियों को बखूबी जनता के सामने नहीं आने देना चाहती, वहीं पर दबा कर अपने कामों के प्रति की गई लापरवाहियों को छुपा देता है। तीन बेटियों की पूजा करने से हमको धर्म प्राप्त होता है और चार बेटियों की जब हम पूजा करते हैं तो राज्य पद की प्राप्ति होती है और पांच बेटियों का पूजन करने पर। कल मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना का कल सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसी अंतर्गत निसरपुर जनपद पंचायत में भी महिला बाल विकास के द्वारा लाडली लक्ष्मी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महिला बाल विकास द्वारा इतनी लापरवाही की गई है कि जहां पर उपस्थित सभी माताएं बहनें जो आई हुई है एम लाडली जो आई हुई थी उनको मिट्टी में बैठने की व्यवस्थाएं रही, साथ ही किसी प्रकार से कोई पंखे कूलर या किसी की भी व्यवस्था नहीं रही। वो जितने भी आए थे वो गर्मी के कारण बहुत परेशान रहे, साथ ही जो अतिथि एम जो भी लाडली और उनके परिवार के जो सदस्यगण आए थे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी पूरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से कोई नाश्ते या किसी का भी कोई कार्यक्रम उनके लिए नहीं रखा गया। पूर्व में भी महिला बाल विकास द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम किए गए जिसमें ऐसी कई विसंगतियां थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें भी अधिकारी नीचे इस प्रकार से अगर विसंगतियां करेंगे तो क्या होगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो आपकी इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं करते हैं उन्हें कठोर से कठोर उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए।